1954 में आज ही के दिन पद्म विभूषण सम्मान की स्थापना की गई थी। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के किसी असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान भारत के बाद दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। 1971 में आज एक दिन ग्लासगो के ब्रॉक्स पार्क में दो मजबूत प्रतिद्वंदी टीमें सेल्टिक और रेंजर्स के बीच हुए फुटबॉल मुकाबले के बाद घटी घटना में 66 लोग मारे गए थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मैच देखकर प्रशंसक सुरक्षा घेरे को तोड़कर स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार रेंजर्स टीम के सैकड़ों की संख्या में प्रशंसक इस आशंका में स्टेडियम छोड़कर भागने लगे कि सेल्टिक जीत जाएगी, लेकिन उनके सीढ़ियों से उतरते वक्त ये हादसा हो गया था। 1973 में आज ही दिन सेना के जवानों और देश के लिए प्रेरणा स्रोत जनरल SFAJ मानिकशाह को फील्ड मार्शल बनाया गया था। देश के नागरिकों और नौजवान दिलों पर राज करने वाले फील्ड मार्शल SF जमशेद जी मानिकशाह का जन्म 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके अंदर उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता थी। अपने जीवन काल में 5 युद्धों में मानिकशाह ने भाग लिया और अपनी बहादुरी से सबको अचंभित किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध सैम मानिकशाह के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। इसी युद्ध में सैम ने पाकिस्तान को काटकर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दे दिया था। 1989 में आज ही के दिन अद्भुत कलाकार समाज के दम पर हल्ला बोलने की ताकत रखने वाले सफदर हाशमी को असामाजिक तत्वों ने बड़ी बेरहमी से पीटा था, जिस वजह से अगले ही दिन उनकी मौत हो गई थी। वह एक क्रांतिकारी और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। वह 1976 में CPM में शामिल हो गए थे। आम आदमी के दर्द को हाशमी के थिएटरों में जिस बेचैनी से उठाया जाता था, उसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरत गांव से शहर तक राजा का बाजा होते हुए जब उनके थिएटर का सफर नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल पर पहुंचा, तो सफदर ने इसे गाजियाबाद नगर निगम चुनाव के वक्त प्रस्तुत करने का फैसला किया। जब वह इसे साहिबाबाद के झंडापुर गाँव में पेश कर रहे थे, तभी असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और 1993 में आज एक दिन बोस्निया में शांति के लिए वार्ता हुई थी। बोस्निया के 3 अलग अलग गुटों ने वहां 9 महीने से जारी लड़ाई को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के मकसद से यह बैठक की थी। युद्ध छिड़ने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब बोस्निया के सर्ब, मुस्लिम और क्रोएट्स के नेताओं ने आमने सामने बैठकर बातचीत की थी। जिनेवा में इस बैठक को संयुक्त राष्ट्र के 2 विशेष राजदूतों साइरस वनस और लॉर्ड ओवन ने इन तीनों गुटों के एक बैठक करने को कहा था। इन दोनों राजदूतों ने बोस्निया को 10 स्वायत्त प्रांतों में बांटने और विकेंद्रीकृत सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था।